कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में लोगों को बांटा था। अंग्रेजों के आने के पहले 2,500-3,000 साल पहले अंग्रेजों के ब्राह्मण भारत में आए, यूरेशिया से ब्राह्मण भारत में आए। जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से भारत में आए, वैसे ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए। ये जो यूरेशिया है, ये काला सागर जो है यूरोप और रशिया के बीच में काला सागर है। भूगोल थोड़ा बहुत जो जानते हैं उन लोगों को पता होगा, वहाँ ये भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ से ब्राह्मण भारत में आए, कुछ यूरोप में भी गए। और उन्होंने आने के बाद यहाँ देश में उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग ओबीसी पर थोपा, जो घुमंतू जाति के लोग हैं उसको बहिष्कृत किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को दास बनाया, ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने भारत में लागू की। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई चीज काल्पनिक नहीं। ब्राह्मणों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में भारतीय लोगों को बांटा। मनुस्मृति में जातियां किस तरह से बनाई उसके सबूत हैं। 1703 जातियां शेड्यूल कास्ट की है, 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं, 3,743 जातियां पिछड़ा वर्ग ओबीसी की है। तो लगभग इन लोगों को अगर ये गिनती करो 1703 और 801 और 3,743, तो 6,000 से कम नहीं होते हैं, ज्यादा ही होते हैं, मगर हम 6,000 मानकर चलते हैं। तो 6,000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने भारतीय लोगों को बांटा। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा था। ब्राह्मणों ने भी अपना वर्चस्व भारत में थोपने के लिए और भारतीय लोगों को गुलाम बनाने के लिए 6,000 जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटा। तो कुछ लोग मुझे मिले मेरा भाषण होने के बाद, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक, ऐसा उन्होंने मुझे सवाल पूछा। तो मैंने कहा गणित करके जवाब देता हूं। कहा आप बड़े अजीब है, उसने कहा आप बड़े अजीब है, लोग तर्क करके जवाब देते हैं, आप गणित करके जवाब दे रहे। मैंने कहा थोड़ा सा धीर धरिए, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो अंग्रेजों ने दो टुकड़ों में बांटा था, तो 2 से 6,000 का भागाकार करो, उसको मैंने पूछा तो कितना आंकड़ा निकलेगा। कहा 3,000। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3,000 गुना ज्यादा खतरनाक। ब्राह्मण अंग्रेजों से 3,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप में से किसने ये देखा कि ब्राह्मण खेती में हल चलाता है? देखा किसने? है? नहीं देखा? बहुत ईमानदार लोग हो। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये ब्राह्मण कभी भी खेती में हल चलाता हो ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा, पसीना बहाता हो,
और पसीना बहाकर अपनी रोटी रोजी कमाता हो, ऐसा आप लोगों ने कहीं पर नहीं देखा। यानी हम लोग पसीना बहाते हैं।